Hello friends, my name is A and welcome back to our channel. A reaction. So guys, my name is A and my sister Mobile. So guys, आज हम एक और question video के साथ आए हैं. आज हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे क्योंकि लोग हमें कहते हैं हमें बिल्कुल भी reaction skill zero है हमारी तो. हम सब बोलते रहते हैं theme पे नहीं जाते जबकि हमारा main purpose ये होता है कि हमें entertainment. नहीं, हमें होता है कि हमें उसको as a chiller form में लेके जाए कि ये नहीं है कि किसी की हम अगर एक बंदा दूसरे को कह रहा है तो हम उसके गेंद से जाए हमारे लिए सब उतने काबिल होते हैं. और दूसरी बात हमसे सीरियस हो गए ये नहीं बोला जाता कोरियोग्राफी उसने की डांस उसने किया लिरिक्स उसने लिखे इतना पंगा हमसे नहीं होता. हम उसको चिल फॉर्म में लेके जाते हैं. ओह आज बोल रही हूं आज ये रिएक्शन भी मैंने बोले सनम भाई. सो गाइस तो जिनका भी कमेंट आया थैंक यू सो मच. हमें कोई भी चीज बुरी नहीं लगी है बल्कि हमें अच्छा लगा है. चलो हमें कुछ तो करके हमें पूछते हैं लोग थैंक यू सो मच. चाहे बुराई में बोलो चाहे थैंक यू सो मच. मगर हम सबका थैंक यू कहना चाहेंगे जिन जिन ने हमें कमेंट किया और जो जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे उनका भी थैंक यू सो मच. और आज हम रिक्वेस्टिंग वीडियो है जिनका नाम है एम डी अरबाज. उन्होंने हमें कहा था आउट ऑफ सैंड पार्क जो है एमी बी के सॉन्ग उस पर आप रिएक्शन दें तो हम उस पर आज रिएक्शन दे रहे हैं. मगर रिएक्शन देने से पहले आपको कहना चाहेंगे प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल लाइक कमेंट एंड शेयर एंड क्लिक द बेल आइकन ताकि आप हमारी कोई वीडियो मिस ना कर सके. आपको वो कफ हो रही थी तो मैंने कहा चले मैं ही बोल दूं. अब आपको कितना बोलना है मौसम चेंज है अब चेंज हो गया है इसलिए तो प्रॉब्लम है अदरवाइज आई एम फाइन. ऐसी बात है. सो गाइस तो बिना देरी किए पहले हम सॉन्ग सुनते हैं उसके बाद मजीद आपसे बातचीत करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द Let's start the hand free. 3, 2, 1, start. ये पहाड़ है. मुझे पता ही नहीं था. Wow. Thanks for information. ये पानी है पता है? जी. ये कोई स्टैचू है. Heavy. आप जिस नंबर पर कॉल कर रहे हैं वो या तो पहुंच से बाहर है या अभी बंद है. कृपया बाद में फिर से कॉल करें. मजा आएगा. जगह बहुत ही अच्छी है. हिल स्टेशन का सराहना. चल बंद कर सीधा साउंड कम कर. तेरी ट्रक चलती है तो अपना चलता डंपर. बोल बच्चन चांद पत्ती चल छोटे कम कर. कॉल करके देख मेरा नंबर और ऑफ संपर्क. चल बंद कर सीधा साउंड कम कर. तेरी ट्रक चलती है तो अपना चलता डंपर. बोल बच्चन चांद पत्ती चल छोटे कम कर. कॉल करके देख मेरा नंबर और ऑफ संपर्क. आपण ह्या नंबर वर संपर्क करण्याचा प्रयत्न करत आहात तो यावेळी संपर्क क्षेत्रामध्ये नाही. सीमा बंद आहे. कृपया थोड्या वेळानंतर प्रयत्न करा. आप जिस नंबर पर कॉल कर रहे हैं वो या तो पहुंच से बाहर है या अभी बंद है. कृपया बाद में फिर से प्रयास करें. द नंबर यू आर कॉलिंग इज ईदर अनरीचेबल और स्विच्ड ऑफ एट द मोमेंट. प्लीज ट्राई अगेन विद अस. मेरा पर बनना सीखा पर कमाना नहीं सीखा. लेकिन जो पैसे कमाया वो बचाना नहीं सीखा. क्योंकि सब पैसे घुसाता हूँ मैं वीडियो में. भाड़े का पैसा भरना पड़ता मेरे स्टूडियो में. हाँ ना लेता स्पॉन्सर ना लेता किससे पैसा. असली इंडिपेंडेंट बनना है बन मेरे जैसा. ऐसा बने दिल साफ होना चाहिए. इतना सफल हो सबकी उदास होनी चाहिए. चल बंद कर सीधा साउंड कम कर. तेरी ट्रक चलती है तो अपना चलता डंपर. बोल बच्चन चांद पत्ती चल छोटे कम कर. कॉल करके देख मेरा नंबर और ऑफ संपर्क. चल बंद कर सीधा साउंड कम कर. तेरी ट्रक चलती है तो अपना चलता डंपर. बोल बच्चन चांद पत्ती चल छोटे कम कर. कॉल करके देख मेरा नंबर और ऑफ संपर्क. झाल से दूर हूँ मैं इसलिए तो मशहूर हूँ मैं. खाना सही समय पे नहीं खा पाता मजबूर हूँ मैं. और स्पेशल लाइन फॉर सब फेक रैपर्स. बेटा सुन तुम सिर्फ चार बार के. हम आठ बार नहीं नौ बार नहीं बार बार के. सुधारूंगा मैं इन सबको मार मार के. मेरे काम से फेमस होना चाहते ये मेरे नाम से. झंड रैपरों की गिनती करता झंडू बाम से. जुबान से जिल्लत निकलेगी खून निकलेगा कान से. मुंह से नहीं बकते हैं ये बकते अपने. हाँ पांच साल की ये मेहनत. कब सोना कब खाना कब क्या करना मुझे कहमत. कितनों ने बोला रैप करके ना बरसे रहमत. तेरी क्या सुनूं बे मेरे माँ बाप है सहमा. चल बंद कर सीधा साउंड कम कर. तेरी ट्रक चलती है तो अपना चलता डंपर. बोल बच्चन चांद पत्ती चल छोटे कम कर. कॉल करके देख मेरा नंबर आउट ऑफ संपर्क. चल गया
कौन साथ है और कौन उठा रहा है फायदा, सामने से भाई भाई पीछे से अलकायदा, फ्रीडम टू स्पीच छोटे कानून न कायदा, बंडाई बोली रैप सीन में मैंने किया पैदा। जब बात सड़क की आती है तो भाई तेरा भड़कता है, कड़क मेरी है बोली तो फिर तू काय को फड़कता है, हड़पता है सोच मेरा सारे अच्छे चीज को, तुम जैसे बचकाने आके पूछे मुझे प्लीज दो ज्ञान, ज्ञान मेरे गाने में है, बिना बोले काम करके दिखाने में है, बहुत मजा खोटे लोगों को सताने में है, मेहनत करके हासिल होने पे मचाने में है, मैं मचाऊंगा वो जल लाऊंगा, खाने मिलेगा पूरा अकेला नहीं खाऊंगा, हर जगह जाऊंगा वीडियो बनाऊंगा, जिंदगी को जीते कैसे ये सबको दिखाऊंगा, सिर्फ देखते रे तू सिर्फ देखते रे चलाक देखते रे। ध्यान नंबर जर संपर्क करने प्रयत्न करत आहात तो यावेळी संपर्क क्षेत्रामध्ये नाही किंवा बंद आहे, कृपया थोड्या वेळानंतर प्रयत्न करा, आप जिस नंबर पर कॉल कर रहे हैं। बस ये वो उसका सारा लिरिक्स कंपोजर है एंड ना सो गाइस सॉन्ग एंड अदर, बहुत ही अच्छा सॉन्ग एमी वे का। और सबसे जो खास बात मुझे लगती है कि जिस तरह आजकल के सॉन्ग जो हैं बहुत ज़्यादा लेविश और वो सब कुछ दिखाया जाता है, और इनके सॉन्ग में बहुत ओरिजिनलिटी बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल ओरिजिनल पन आपको नजर आता है, मतलब कोई इस तरह का नहीं नजर आता कि कोई बहुत ज्यादा ओपन एरिया में होता है तो अच्छा लगता है। वैसे जो इंग्लिश सॉन्ग्स ऐसे होते हैं वो ये दिखाते हैं कि जी फाइंड आउट हो रहा है कुछ दुखी सा, एक तरफ जुगलबंदी और जैसे उनका रैप है वैसा ही। नहीं रैप तो खैर आउट क्लास किस्म का है, मुझे बहुत ही ज्यादा मतलब रियलिटी बेस्ड लगता है, मतलब कोई बनावट उसमें भी नहीं लगती, और जो लोकेशन वगैरह है वो भी बहुत ही ज्यादा इस तरह की नहीं है कि जी आपको बहुत, जिस तरह आपने जी कोई वीडियो बनानी है और उस तरह तो आप बहुत ही लेविश जगहों पे जाएं या वो सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी यूज करें या वो जो क्या कहते हैं गाड़ियां ये सब, बिल्कुल वो वाली चीज तो। और एक लड़की का होना जरूरी होता है जो मेरे ख्याल में अभी तक मैंने एमी वे के सॉन्ग में किसी भी सॉन्ग में नहीं है, किसी सॉन्ग में जरूरी नहीं है कि एक लड़की के बिना भी वीडियो बहुत अच्छे चलते हैं, भी बहुत अच्छे, मतलब जहां पे नीड होती है वहां पे तो है, मगर ये उनके बगैर भी नहीं, मतलब लोगों को एंटरटेन भी तो करना है ना, मतलब वो एक स्टोरी हो लव स्टोरी हो ये ऑल इन वन है बिल्कुल बिल्कुल, तो वो फिर किसी का जरूरत नहीं पड़ती जब अकेले आप कर ले। और जो इनके रैप के जो लिरिक्स होते हैं वो बहुत ज्यादा रियलिटी बेस्ड होते हैं और बहुत मजे के होते हैं, बंदा सुन के एंजॉय करता है। तो ये था आउट ऑफ सेंट पार्क, ये रिक्वेस्ट थी एमडी अरबाज की, जिन्होंने हमें आज सुबह भी मैसेज किया था कि आप हमारा नहीं कर रहे हैं रिएक्शन। तो अब आपको जैसा कल मैंने बताया था कि टोटल 20 प्लस है अभी तक रिक्वेस्ट, तो ये कि 2-3 दिन लगेंगे मगर हम सबकी रिक्वेस्ट पूरी कर देंगे। मगर कुछ लोगों को मैंने मैसेज करके कहा भी था कि आपका जो वीडियो है वो आज हम अपलोड कर देंगे, उनमें से एक ये भी थी, तो बाकी भी हम शूट करते जा रहे हैं, तो एज सून एज पॉसिबल आपको आपकी रिक्वेस्टेड वीडियो मिल जाएंगी। और जाने से पहले आपको कहना चाहेंगे सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक कमेंट एंड शेयर एंड क्लिक द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। सो गाइस तो हंसते रहे मुस्कुराते रहे, आपसे फिर मुलाकात होगी और आपका प्यार इसी तरह हमसे हमें मिलता रहे और हम आपको इसी तरह एंटरटेन करते रहे, क्योंकि रिएक्शन चैनल के साथ साथ हमारी कोशिश होती है कि हम अपनी बातों से आपको एंटरटेन भी करें। अब पता नहीं कितने हम कामयाब हैं वो आपके कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं कि हम बोर करते हैं कि एंटरटेन करते हैं रिएक्शन के साथ साथ, तो वो कोई बात नहीं मंजूर है, अब तो होगा वही जो है मंजूर है खुदा। फिर मुझे डायलॉग बोला करो भाई, आगे चलो। सो गाइस हंसते रहे मुस्कुराते रहे, बाय बाय।